भोजपुरी फिल्मों की पहचान बन चुके रवि किशन ने बीते 17 जुलाई को अपना जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। रवि के जन्मदिन के मौके पर भोजपुरी जगत की तमाम दिग्गज हस्तियों ने शिरकत करके रवि के बर्थडे की खुशी को और ज्यादा बढ़ा दिया। इसके अलावा बहुत से कलाकार अपनी व्यस्तता के चलते रवि के जन्मदिन की पार्टी में नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से रवि को बर्थडे की बधाई दी। वहीं जो रवि के बर्थडे पार्टी में शरीक हुए, उन्होंने रवि के साथ जमकर मस्ती की। भोजपुरी सितारों की बात करें तो इसमें खास तौर से भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी रवि के साथ खूब मस्ती करते हुए नजर आए। निरहुआ के अलावा पूनम दुबे, गुंजन पंत, आम्रपाली दुबे, अंजना सिंह और अर्चना सिंह ने भी रवि की बर्थडे पार्टी में खूब जमकर धमाल मचाया। वैसे पहले ही इस तरह की बातें मीडिया में आ रही थी कि रवि इस बार शायद ही अपना जन्मदिन मुंबई में मनाए, क्योंकि उसके पास काम ही इतना ज्यादा है। मगर रवि किशन हर साल अपना जन्मदिन अपने परिवार वालों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के अपने दोस्तों के साथ ही जन्मदिन मनाना पसंद करते हैं। रवि किशन भोजपुरी, बॉलीवुड के अलावा साउथ की भी तमाम फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो अब तक रवि किशन तकरीबन 250 से भी ज्यादा भोजपुरी, साउथ, पंजाबी और मराठी फिल्मों में अभिनय करके दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना चुकी है। भोजपुरी फिल्मों में तो उन्हें मेगा स्टार की उपाधि तक दी जाती है। दरअसल आज अगर भोजपुरी सिनेमा को लेकर देश भर में इतनी बेहतर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है तो इसमें रवि का भी बहुत बड़ा हाथ है। अपनी व्यस्तता की वजह से भले ही रवि भोजपुरी फिल्मों में ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद साल भर में उनकी 3-4 फिल्में रिलीज हो ही जाती है। न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।